लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में दिख रहे हैं। ताबड़तोड़ बैठकें और लगातार जनहित से जुड़े फैसले और आदेश। एक ऐसा ही आदेश मुख्यमंत्री की ओर से गाड़ियों पर लगे हूटर को लेकर दिया गया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस वाहनों पर लगे हूटरों को हटाने में जुटी हुई है। पुलिस प्रदेश भर में चेकिंग अभियान चला रही है और हर जिले में गाड़ियों से हटाए जा रहे हैं प्रेशर हॉर्न और हूटर। सिर्फ वीआईपी फ्लीट के एक वाहन पर ही हूटर की इजाजत है, वो भी जो फ्लीट में सबसे आगे चल रहा होगा। पुलिस के एक्शन की तीन तस्वीरें अभी हम आपको दिखाते हैं, जिसमें हूटर पर हंटर चलाया जा रहा है। सोनभद्र, आगरा और फिरोजाबाद की ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जहां पर पुलिस वाहनों पर लगे अवैध हूटर हटाते नजर आई। ट्रैफिक पुलिस अभियान चलाकर गाड़ियों में लगे हूटर ब्लैक फिल्म्स हटा रही है। इतना ही नहीं, जो लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनसे जुर्माना भी वसूला जा रहा है, चाहे वो प्राइवेट गाड़ी हो या फिर सरकारी गाड़ी। सभी से ब्लैक फिल्म और हूटर हटाया जा रहा है। जो लोग अपनी गाड़ियों पर किसी तरह का स्लोगन लिखकर चल रहे हैं या फिर बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चला रहे हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। सावधान, हूटरबाजी नहीं खेल, हो सकती है जेल। हूटर पर हंटर वाला आदेश। वीआईपी कल्चर पर तत्काल ब्रेक। सीएम योगी के आदेश के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन में है। आगरा से बांदा तक और फिरोजाबाद से फैजाबाद तक ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। पुलिस हर उस गाड़ी को रोक रही है जिस पर या तो अवैध हूटर लगा है या फिर लाल नीली पीली बत्ती। दरअसल पुलिस का यह एक्शन सीएम योगी के आदेश के बाद हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीआईपी कल्चर पर लगाम लगाने के सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं। इसके तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो वाहनों के हूटर हैं उनको तय समय के भीतर बजाना और उससे ज़्यादा नहीं बजाना। यही नहीं, जो अनाधिकृत रूप से हूटर और प्रेशर हॉर्न का उपयोग कर रहे हैं ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद अब प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से इसे अभियान बना चुका है। और अगर बात की जाए निर्देशों के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई पूरे उत्तर प्रदेश में अभियान बनाकर की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अफसरों के साथ बैठक में दिए गए निर्देश के बाद पुलिस सड़कों पर उतर आई। इसके बाद हूटर और सायरन का इस्तेमाल कर हुड़दंग मचाने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इसी क्रम में आगरा, फिरोजाबाद और सोनभद्र से पुलिस की चेकिंग की तस्वीरें सामने आई, जिसमें पुलिस गाड़ियों से अवैध हूटर उतार रही है। करीब 50 गाड़ियों की ब्लैक फिल्म हटवाई जा चुकी है, 100 गाड़ियों के आसपास हूटर्स और जो अवैध तरीके से उसमें फ्लैशर्स लगे थे वो हटवाए गए हैं और करीब 2000 गाड़ियों का विभिन्न मामलों में चालान किया गया है। बेसिकली इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि हम इन गाड़ियों से अवैध तरीके की जो गाड़ियां हैं इन पे से इन स्लोगन्स को हटवा सकें, इनका चालान कर सकें, ताकि जो भी हमारा मुख्यालय है वहां से उसके डायरेक्शंस का अनुपालन हो सके और ये अभियान समय समय पर चलते रहेंगे। सोनभद्र में भी ट्रैफिक पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। वीआईपी कल्चर के तहत हूटर का इस्तेमाल करने वालों पर प्रशासन सख्त हुआ और कार्रवाई करते हुए हूटर हटवा दिया। गाड़ी पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा हुआ था, काली फिल्म, हाई मास्क लाइट लगाने वालों का भी चालान काटा जा रहा है। प्रेशर हॉर्न और हूटरों को अनाधिकृत रूप से वाहनों पर लगाना और उनको तय सीमा से ज़्यादा बजाना, इन पर सख्त एक्शन शुरू हो चुका है और इसके लिए बाकायदा प्रशासनिक स्तर पर टीमें गठित होकर हर जिले में कार्रवाइयां भी तेज हो चुकी हैं। उधर सीएम योगी के आदेश के बाद फिरोजाबाद पुलिस ने गाड़ियों में लगे हूटर को हटाया, साथ ही 25 से ज्यादा गाड़ियों के चालान भी काटे गए। पुलिस की कार्रवाई के बाद
गाड़ी मालिकों में हड़कंप मच गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का तथा शासन का स्पष्ट निर्देश है कि वीआईपी कल्चर को खत्म किया जाए, साथ ही साथ जो लोग प्रेशर हॉर्न लगाकर ध्वनि प्रदूषण पैदा कर रहे हैं, साथ ही साथ स्कूटर सायरन अनावश्यक रूप से अनुचित रूप से लोग लगा के घूम रहे हैं, चाहे वो सरकारी वाहन हो या गैर सरकारी वाहन हो, एक अभियान चला करके उनको उतरवाया जाए। उसी क्रम में आज फिरोजाबाद में हम लोग यहाँ जैन मंदिर चौराहे पर चेकिंग करा रहे हैं, कई गाड़ियों का इसमें हम लोगों ने स्कूटर उतरवाए हैं, साथ ही साथ एमवी एक्ट के तहत उनका चालान भी कर रहे हैं। दरअसल सीएम योगी ने लोकसभा चुनाव के बाद अफसरों के साथ बैठक की, इसमें कानून व्यवस्था से लेकर विकास कार्यों की समीक्षा की और लापरवाही करने पर कार्रवाई के निर्देश दिए। इसी दौरान सीएम ने ऐसी लग्जरी गाड़ियों जिसमें हूटर और बत्ती लगाकर भौकाल बनाते हैं, ऐसे लोगों पर मुख्यमंत्री ने प्रभावी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। चलिए अब आपको सीएम योगी के उस आदेश के बारे में बताते हैं जिसके बाद पुलिस का यह एक्शन हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी वाहन में प्रेशर हॉर्न या हूटर नहीं बजना चाहिए, जहां ऐसे हॉर्न या हूटर लगे हैं उसे तत्काल उतरवाएं। इसके अलावा वीआईपी फ्लीट में सबसे आगे की गाड़ी में एक तय ध्वनि सीमा के साथ की हूटर बजें, उसकी भी आवाज की सीमा तय हो। सीएम योगी ने कहा है कि वीआईपी नंबर और वीआईपी कल्चर को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा।